नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमरिस्ट किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आरबीआई ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है और ये कदम छात्रों को अपनी आर्थिक शिक्षा में सुधार के लिए कारगर साबित होगा। साथ ही देश के विकास में भी इसकी अहम भूमिका होगी, क्योंकि अब आरबीआई ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो स्कूली बच्चों को आर्थिक शिक्षा की ABCD सिखाएगा। जी हाँ, अब जल्द ही वित्तीय साक्षरता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चों की फाइनेंशियल समझ बढ़ेगी, निवेश को लेकर उनकी समझ बढ़ेगी। और इस प्रोग्राम का मकसद है कैसे बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके, साथ ही बच्चों की निर्भरता अपने परिजनों पर कम हो और वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खुद प्लानिंग कर सके, खुद उसके निर्णय ले सके। इन सबके बीच कई सवाल भी अब पैदा हो रहे हैं, क्या ये प्रोग्राम वाकई में सक्सेस होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स का पढ़ाई का अंदाज अलग अलग है। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की जाएंगी, किस तरह का सिलेबस होगा, इसी मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जितनी अच्छी नीयत और मंशा के साथ कदम उठाया जा रहा है, ये आखिर अमल में कैसे लाया जाएगा। हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिनसे उनका तारुफ कराते हैं आपका। दिनेश प्रसाद सकलानी, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, और हमारे साथ यहाँ पर साथी डायरेक्टर NCERT, चेयरपर्सन NCTE, कविता सांगवी, प्रिंसिपल SVKMS CNM स्कूल, और हर्षित मिश्रा, डिप्यूटी एडवाइज़र नीति आयोग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले हर्षित जी, क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। आपसे समझना चाहेंगे तो आरबीआई की ये जो मंशा है, मैं तो ये कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। देखिए, काफी समय से इस तरह की पहल और कदम की जो है मांग की जा रही थी, और हालांकि अभी राज्यों ने इसको स्वीकारा है, सभी राज्यों ने हालांकि अभी तक नहीं स्वीकारा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्द हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि इस कदम को और आगे बढ़ाया जाएगा और एक पूरी तरह से, जैसे हम कहते हैं ना, सम्मिलित कोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, फाइनेंस की समझ को लेकर, वो बच्चों को स्कूल से ही सिखाया जाएगा। काफी समय से इसकी मांग थी। इस कदम को इसके पहले रूप में जो कि हमारे सामने अभी पेश हुआ है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये आरबीआई का स्वागत योग्य एक कदम है। बिल्कुल। और वित्तीय साक्षरता को लेकर के जो इनिशियल प्रारंभिक जानकारियां, जैसा कि आरबीआई ने सोचा है कि स्कूल के बच्चों को दी जाएंगी, वो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसका जो करिकुलम है, उसके बारे में मुझे लगता है कि आरबीआई ने जितने भी रेगुलेटर हैं, खासतौर से एनसीईआरटी से उनका जो भी इनिशियल डिस्कशन है वो हो गया होगा कि हमारे स्कूलों में कोई भी करिकुलम अगर वो लागू होता है तो उसके लिए हमारा एनसीईआरटी है, जो कि एक रेगुलेटर एजेंसी है, और वो उस करिकुलम को डिजाइन करने का और उसको अप्रूव करने का फाइनली काम करती है। तो ये सारे काम भी अभी करने होंगे। मुझे ऐसी आशा है कि इस दिशा में भी आरबीआई काम कर रहा होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है वित्तीय साक्षरता को लेकर के, और क्लास 6 से क्लास 10 के बीच के बच्चों के लिए इसमें लागू करने की जो बात हो रही है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि उन बच्चों को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की ABC अगर इस लेवल पे बता पाए तो ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि वो बच्चे आगे हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं या वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, वही बच्चे आगे चल करके देश में अलग अलग कार्यों को करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे। तो उनके लिए वित्तीय रूप से साक्षर होना बहुत आवश्यक है, और ये तब भी बहुत आवश्यक हो जाता है जब भारत जैसे देश में, आज हम पूरे विश्व का, पूरे ग्लोब का जो हमारा UPI ट्रांजेक्शन है वो 40% ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड है। हम 40% पूरे विश्व के UPI ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, और अगर मैं अक्टूबर 2022 का डेटा बताऊं तो अक्टूबर 2022 में भारतवर्ष ने 7.3 बिलियन UPI ट्रांजेक्शन किए हैं, जिनका की मौद्रिक मूल्य लगभग 13 ट्रिलियन रुपीज है। तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हम विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनी चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट लेवल पर ही बच्चों को इन सबसे इसका
इसका इंट्रोडक्शन कराना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बच्चों में ही नहीं, खासतौर से मेरे ख्याल से जिस तरह से हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं की आर्थिक साक्षरता की बात करते हैं, उसमें भी ये जो कदम है काफी अहम भूमिका निभाएगा। दिनेश प्रसाद सकलानी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहाँ पर RBI के फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पर हम बात कर रहे हैं। अभी तो ये अपने पहले चरण में है, लेकिन अधिकतर राज्यों ने इसको अपना लिया है और धीरे धीरे इसको जो है अमल में लाया जाएगा। छठवीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक यहाँ पर कोर्सेज जो हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे। दिनेश जी, जहाँ तक करिकुलम की बात है और जिस तरह से इसको रोल आउट किया जाएगा, क्या क्या अहम बातें हैं, क्या क्या अहम बिंदु हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे सर? कि अभी हमारा जो NEP का पाठ्यक्रम है, अभी पाठ्यचर्या बन रही है, अभी फाउंडेशनल स्टेज की बनी है और उस पर हमारा काम चल रहा है, सिलेबस का और टेक्स्ट बुक का। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब मेरा है कक्षा 1 और 2, और उससे पहले प्री स्कूल का, ठीक है। इसके बाद हमारा जो NCF बन रहा है, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, वो स्कूल के लिए, तो उसमें हम इन इश्यूज को, फाइनेंशियल लिटरेसी के जो मैटर है, और जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा है, तो ये निश्चित रूप से बहुत जरूरी है और हम इसको पूरी तरह से एड्रेस करेंगे। इसमें जो चीजें अभी भी हमारे पास, कुछ हम फाइनेंशियल लिटरेसी के नाते कुछ हमारे पाठ्यक्रम में चीजें हैं, जैसे करेंसी को पहचानना, करेंसी के बारे में जानना, और जो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स सेलिंग और परचेजिंग की होती हैं, बैंक ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इंश्योरेंस रिलेटेड कंसर्न्स हैं, इनके बारे में तो हम थोड़ा अभी बताते हैं, मगर ये हम इसको बहुत व्यापक तौर पर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हो रहे हैं और जिस प्रकार से बच्चे अपने को सेल्फ सफिशिएंट भी बना सकते हैं, उस दिशा में किस प्रकार से फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल जो डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको बच्चों को किस तरह से हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे, इस पे हम निश्चित रूप से काम करेंगे, क्योंकि अभी NCF हमारा बना नहीं है, इसका बन रहा है और हम इन चीज को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये बहुत जरूरी कदम भी है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से कि देश में हमारी जो बचत की प्रवृत्ति रही है वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल सर। इसलिए इसलिए जो रिसेशन जब हुआ था, और हाँ यूरोप अमेरिका के बारे में मैंने एक फाइंडिंग की, मैं उस समय यूरोप में था, तो मुझे ये लगा कि हमारे यहाँ जैसे जो भी बच्चे बाहर भी जाते हैं लोग, हमारी परंपरा में छोटी छोटी सेविंग करना है, प्रत्येक की जी, परंपरा, बिल्कुल तो हम उसको करते हैं, मगर आजकल ये जरूरी है। जैसे हम लोग बाहर जो सब चीजें कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत मिसयूज हो रहा है। और वीकेंड की जो परंपरा है, जो हाँ वीकेंड पे लोग जाते हैं, पूरे हफ्ते में जो कमाते हैं उस 2-3 दिन में खत्म कर देते हैं, तो इस पे हमें गौर करना है, इसे अवेयर करना है कि हम किस प्रकार से मैनेज करें अपने रिसोर्सेज को, तो पूरी ये सब तरह से चीज। हम एक होलसम कोर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर न सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में पढ़ाया जी जाएगा, बल्कि आपको आपके मनी बिहेवियर और फाइनेंशियल डिसिप्लिन और आपका बिल्कुल फाइनेंशियल जरूरी है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए इस पर भी बहुत जरूरी है। जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल फिलहाल सर, आप जो कोर्स ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेज में ही, जैसा आपने कहा, किन किन के साथ बैठ कर ये डिजाइन किया जा रहा है, इसका खाका तैयार किया जा रहा है, किन किन के साथ कंसल्टेशन में हैं आप? ऐसा है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उसके लिए हमारी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनी है, और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में बहुत सभी क्षेत्र के व्यापक लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, वो एक पाठ्यचर्या बनती है। पाठ्यचर्या के बाद पाठ्यक्रम जब बनेगा ना, जी तो पाठ्यक्रम में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमारे पास एक्सपर्ट होंगे, जैसे एक्चुअरियल साइंस के भी हमारे पास लोग आए थे, अच्छा हम बैंक बैंक यस एक्चुअरियल साइंस के जो डायरेक्टर जनरल है वो हमसे मीटिंग कर चुके हैं, हमने उनके इश्यूज को ले लिया है, और एक्चुअरियल साइंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो RBI है और जो हमारे बैंक हैं, उनसे भी हम एक्सपर्ट्स को, हम स्पेशल इनवाइटी के रूप में उनको इनवाइट करते हैं अपने सिलेबस, जो पाठ्यक्रम बनता है, और पाठ्यक्रम के साथ फिर जो पुस्तकें बनती हैं उसमें हमारे कुरिकुलम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हम देखते हैं कि किस लेवल पे कितनी बात बच्चे को इस बारे में बतानी चाहिए, ताकि उसको ये बर्डन न लगे, बल्कि वो इसको एक बहुत ही अपने जो नियमित पाठ्यक्रम है उसके तहत लेते हुए अपने की अपनी अवेयरनेस बढ़ाए, और फिर अर्न वाइल लर्न, ये प्रैक्टिस जो है अर्निंग वाइल लर्निंग, ये प्रैक्टिस को इम्फेसिस देना, और ये लर्निंग के साथ साथ सेविंग की जो बात है वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि सर, आप कितना भी अर्न कर लें, अगर आपकी प्रवृत्ति सेविंग की नहीं है, तो आप अपने साथ भी और प्रकृति के साथ भी और समाज के साथ भी और व्यवस्था के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। ये अवेयरनेस करना जरूरी है।
मेरे ख्याल से बचत को लेकर तो हर भारतीय और हर भारतीय माँ बाप जो है अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा ही देते हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उसके आगे बढ़े और बचत के साथ साथ अभी निवेश पर भी अभी जो फोकस अभी करें। अभी अभी जो सिखाने की बात है वो कम हो रही है अभी खर्च बिल्कुल करने सही कह रहे हैं की। आप, जो जो बिल्कुल सही। कंज्यूमर जो हमारी सभ्यता है वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा नहीं देती है, मगर अब बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। तो कंज्यूमरिज्म भी जरूरी है, बट कंज्यूमरिज्म एक लिमिटेड कंज्यूमरिज्म होना चाहिए। अब हम छोटी छोटी चीज के लिए भी बाहर जाके होटल बुक करते हैं करते, अपने घर में नहीं करना चाहते कोई चीज। चलिए कविता जी, अब आपसे मुझे ये समझना है कि इसको अमल में लाने के लिए कौन कौन से अहम बिंदु हैं, क्योंकि अभी देखिए अभी तक तो पाठ्यक्रम बना नहीं है, है ना? तो किस तरह का पाठ्यक्रम आपको लगता है कि होना ज़रूरी है तमाम एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए? प्रैक्टिकल नॉलेज की तो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये आपके ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल हो जाएगी, क्योंकि ये आपके जेब से जुड़ी हुई है और आपकी लाइफ का एक ऐसा पहलू है जो अगर गड़बड़ा गया तो आपकी जिंदगी काफी हद तक गड़बड़ा सकती है। क्या क्या चीजें पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, किन किन एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए कविता जी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आई एम नॉट वेरी थैंकफुल कि ये करिकुलम आ रहा है, बिकॉज डेफिनेटली बहुत ही जरूरी है। तो जब ये आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 to 10 स्टैंडर्ड में है, तो उसका सिलेबस क्या है, आप क्या किस पे फोकस करने वाले हो? बेसिकली अगर आप बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हो, तो क्या आप यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग इनकॉर्पोरेट करने वाले हो, और जहाँ बच्चे डेफिनेटली बैंक में जाएंगे और एक्सपीरियंस लेंगे बैंक का, या एक्सपर्ट टॉक्स देखकर आना है स्कूल में, या टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि आप एग्जीक्यूट करोगे ये करिकुलम? तो ये एक फोकस होना चाहिए कि हु इज गोना बी टीचिंग इट? Is it going to be the teachers? Is it going to be the experts coming in? Is it going to be a joint committee of coming together? Or uske number of periods kya hoge? Number of, that means jo hamare school mein periods hote hain padhane ke liye, to kya ye 2 periods a week, or is it going to be a completely ek block period hona chahiye padhane ke liye? उसके बाद वो असेसमेंट कैसे होगा? तो आप ये डेफिनेटली एक पेन एंड पेपर तो नहीं होगा, इट हैज टू बी समथिंग व्हिच हैज टू बी प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड अगर आप बच्चों को ये बता सकते कि आप अपना फाइनेंशियल प्लान क्या करने वाले हो, आपको अगर 200 रुपए दिया है तो आप कैसे बचाने वाले हो, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, तो व्हाट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड, उसके रूब्रिक्स क्या हो गए? तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें वो गाइडेंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, इन टर्म्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ पीरियड्स, terms of the infrastructure and resources needed. The resources भी क्या चाहिए स्कूल के तरफ से? अगर हमें field visits करनी है, places को visit करना है, experts को बुलाना है, तो क्या क्या चाहिए हम लोगों को? तो definitely अगर ये सब हमें मिल जाता है तो we'll be very much ready के next year academic year 2023-24 में ये implement कर सकते हैं, which is very very progressive. बिल्कुल सही। तो हर्षित जी, मेरे ख्याल से कविता ने जो सवाल उठाए हैं आपके पास काफ़ी हद तक इनका जवाब हो सकता है। पता है सर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो जो चैलेंजेस हैं उन पर कैसे गौर फरमाया जा रहा है? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो इंटरवेंशन है इसको हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ओवरऑल डोमेन में देखना है। बिल्कुल सही। जिन बातों का जिक्र एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, प्रैक्टिकल टीचिंग का, होलिस्टिक लर्निंग का, 21st सेंचुरी स्किल्स का, तो ये जो आरबीआई ने ये प्रस्ताव किया है, और अब इसमें एनसीईआरटी काफी सारा काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग भी इसमें अपने अपने विचार व्यक्त करेगा, ये पूरा का पूरा स्किल जो है ये वन ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल है, जिसको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जोड़ दिया है। फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्यूमेंट में उनके बारे में पॉलिसी ने रिकमेंडेशन किया है, और पॉलिसी ने कहा है कि दीज आर 21st सेंचुरी स्किल्स, और इन स्किल्स को हमें होलिस्टिक वे में अपने स्टूडेंट्स को प्रदान करना है। तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये होलिस्टिक होगा, ये एक्सपीरियंशियल होगा, और इसका इसमें जो इवेल्युएशन होगा वो क्रेडिट बेस्ड होगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्रेडिट बेस्ड इवेल्युएशन की बात करती है। वो कहती है कि देयर विल बी एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू इसका इवेल्युएशन होगा। इसका फाइनेंशियल लिटरेसी का इवेल्युएशन कन्वेंशनल इवेल्युएशन या परंपरागत इवेल्युएशन नहीं होगा कि इसमें रोट लर्निंग हो, इसमें पेपर आए, इसमें एग्जाम हो, इसका क्रेडिट बेस्ड इवेल्युएशन होगा, और ये इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंपोनेंट, इसमें बैंक विजिट का कंपोनेंट, इसमें एक्सपर्ट को इन्वाइट करने का कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट
इसमें एनसीईआरटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से ज्यादा एड ऑन होने की संभावना है, क्योंकि जब यही सारे कंपोनेंट इसमें एड होंगे तभी ये प्रैक्टिकल स्कोर बन पाएगा और इसके जो डिजायर्ड आउटकम है वो आउटकम एक टाइमलाइन में अचीव हो पाएंगे। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंशियल कोर्स होने वाला है जिसमें बच्चे अपना छोटा मोटा बजट भी बना सकते हैं, बच्चा अपना छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट प्लान भी करेगा कि उसको कैसे क्लास सिक्स का बच्चा एक अपनी फैमिली का बजट बनाने का उसका प्रोजेक्ट है और वो कैसे उसको करता है, और अगर वो उसको सही दिशा में करता है अपने टीचर के माध्यम से करता है तो उसको उस तरह से उसके क्रेडिट स्कोर को क्रेडिट किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है इस तरह से ये एक हमारी व्यापक 21st सेंचुरी स्किल होगी और ये जैसा कि एनईपी ने एनविसास किया है उसी दिशा में आरबीआई का एक ये प्रस्ताव है जिसको कि अमली जामा पहनाने का काम एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग और भी जो इसके स्टेक होल्डर हैं इन सबको एक साथ में करना। तो सर यहाँ पर आर्थिक आजादी की एक सीख देने की बात हो रही है बच्चों को, हमें ये समझाएं कि इसकी शुरुआत बचत, खर्च, निवेश की समझ से तो होगी लेकिन क्या आगे चलते हुए, जैसे कि आपकी कक्षा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसकी पढ़ाई का लेवल भी तो बढ़ेगा, कहीं ना कहीं निवेश के जो विकल्प हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर समझ, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर समझ, क्या ये समझ भी बच्चों को 10 स्टैंडर्ड तक जो है वो दी जाएगी इसके लिए कोई अलग स्पेशलाइज्ड कोर्स होगा जो बाद में बच्चों को करना पड़ेगा? देखिए अभी NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द लेटेस्ट मॉड्यूल इज इन मेकिंग, ठीक है okay. तो वो अभी बन रहा है लेकिन okay. ये तो दिस इज वेरी ऑबवियस कि जब हम ऐसे एरा में हैं जहां पर इंडियन इक्विटी मार्केट में 42 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड हमारा साइज हो गया है, तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10th में जो हमारे हायर ग्रेड्स हैं, क्लास 9 और क्लास 10th के बच्चों को, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने सेविंग के बारे में बताया, तो सेविंग के बारे में जब हम बच्चों को बताएंगे तो सेविंग के साथ साथ बच्चों को ये शिक्षा तो देनी ही होगी कि वो सेविंग को कैसे करें, वो सेविंग को बैंक में रख के करें, वो सेविंग को FD के फॉर्म में करें, वो सेविंग को मतलब सेविंग के व्हाट आर द अवेलेबल काइंड्स ऑफ सेविंग योर मनी, तो सेविंग बैंक में हो जाएगी, सेविंग अकाउंट में, सेविंग FD के रूप में होगी, सेविंग RD के रूप में होगी, सेविंग म्यूचुअल फंड के रूप में होगी और सेविंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में भी होगी। तो ये सारे जो तरीके हैं, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट के आयाम है, ये मुझे लगता है क्लास 9th क्लास 10th के बच्चों को जाना होगा, इसके बेसिस पे उनके प्रोजेक्ट होंगे और प्रोजेक्ट में वो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उसी के बेसिस पर उनको क्रेडिट दिया जाएगा। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसका क्लास 10th तक आते आते इसका डोमेन ब्रॉड होगा और अभी ये इनिशियल, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इनिशियल प्रपोजल है क्योंकि क्लास 6 और क्लास 10 के लिए है, 4-5 साल के बाद जब भारत सरकार इसका इवेल्युएशन करेगी तो अगर हम इसके आउटकम को अचीव कर पा रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको क्लास 11 और क्लास 12 में भी एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री और उसके बाद सभी कुछ फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है, सभी कुछ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है और इकोनॉमी इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वो अक्रॉस द सेक्टर एक दूसरे से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, बच्चा किसी भी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, चाहे वो एक फार्मर ही बनना चाह रहा है या वो एक स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहा है या वो एक बॉलीवुड स्टार बनना चाह रहा है, इकोनॉमी और फाइनेंस से उसका सामना आगे आने वाली जिंदगी में होने ही वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आगे के जो मॉड्यूल आएंगे जब हम 4-5 साल के बाद इसका रिव्यू करेंगे तो रिव्यू करने के बाद ऐसी संभावना हो सकती है बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इसको क्लास 11 और क्लास 12 में भी एक्सटेंड किया जा सके। बिल्कुल दिनेश जी, मुझे आपसे अब ये समझना है कि इसको तो स्टेट बोर्ड्स में इंप्लीमेंट किया ही जाएगा लेकिन देखिए जिस तरह से बच्चे आजकल अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को एजुकेशन देने के बारे में सोचते हैं, वो उनको सबसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं जहाँ पर वो उनको ग्लोबल बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड्स वाले स्कूल्स में डालना चाहते हैं, अब ऐसे में उस तरह के जब बोर्ड्स की बात होती है वहाँ पर काफ़ी हद तक एक्सपोजर उनको मिल चुका होता है जिन मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, जिनके टॉपिक्स की हम बात अभी कर रहे हैं, कैसे हम इंश्योर करें कि हम जो एजुकेशन अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की अब देना चाह रहे हैं, जिसका खाका तैयार हो रहा है, वो जो पढ़ाई ऑलरेडी हो रही है ग्लोबल बोर्ड्स के स्कूल्स में उससे टक्कर दे पाए, उससे एट पार हो? दिनेश जी, ये जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बन चुका है और 18 अक्टूबर को वो देश के लिए
फीडबैक के लिए भेजा गया, पब्लिक के फीडबैक के लिए हर चीज का क्रेडिट मिलेगा बच्चे को शुरू से, और वो क्रेडिट जो है वो जितना भी एक्टिविटीज करेगा वो एक्सपीरियंस एंड लर्निंग पे बड़ा जोर है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी भी उसी से उसकी जो लर्निंग आउटकम है वो रोट लर्निंग पे नहीं होगा, वो परफॉर्मेंस पे होगा। इसमें से तमाम स्किल्स हैं जो कि निश्चित रूप से बच्चे को इनेबल करेंगी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जितनी भी स्किल्स हैं 21st सेंचुरी की, वो सारी स्किल्स बच्चे को बताई जाएंगी और ट्रेडिशनल जो स्किल्स हैं वो भी बताई जाएंगी। इसलिए लोकल मास्टर ट्रेनर की भी बात की गई, जितने प्रकार की भी, और जो ग्लोबल की बात है निश्चित रूप से ये ग्लोबल पैरामीटर्स पे ही काम हो रहा है, और ग्लोबल कॉम्पिटेंसी जो है ये एक्सपीरियंशियल बेस्ड जो लर्निंग है उसी से मापी जाती है। जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो एग्जाम लेकर के नहीं होते हैं, परफॉर्मेंस एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के आधार पर होते हैं। तो जो जो भी माँ बाप इस बारे में सोच रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 बनी है, और जैसे कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा है, उसके हिसाब से हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का और NCERT का जो मैंडेट है वो ये है कि हर बच्चे को फाइनेंशियली वाइबल बनाना, लिटरेट बनाना, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है। जो एक्चुअरियल साइंस एक्चुअरियल एक्चुअरी के जो डायरेक्टर जनरल मिले थे उनसे भी हमारी ये बात हुई कि जो भी हमारे पास पूंजी उपलब्ध है उस पूंजी को हम किस प्रकार से मैक्सिमम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे प्राचीन परंपरा में भी आप देखते हैं गिल्ड थे, गिल्ड बहुत सारे गिल्ड थे, निगम, श्रेणी, पूग, ये सब क्या करते थे, ये जो है अक्षय निधि के रूप में लोगों की पूंजी अपने पास रखते थे, अक्षय निधि, और मंदिरों में भी ये अक्षय निधि रखी जाती थी। ये परंपरागत जो चीजें हैं इनको हम कैसे मॉडर्न उसमें लाएंगे, ये हमारे पाठ्यक्रम में समावेशित होगा, और फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और रूटेडनेस इन इंडिया। जब हम रूटेडनेस इंडिया की बात करते हैं तो उसके जितने भी हमारे प्रकृति के को नुकसान ना पहुंचाते हुए किस प्रकार से हम लोगों को फाइनेंशियली वाइबल बनाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा के डेवलपमेंट करते हैं तो इतना पैसा हमारा बीमारियों से लड़ने में खर्च होता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में खर्च होता है, हमारी एफिशिएंसी कैसी होगी। मैं तो इससे भी आगे बात करता हूं कि जब हम शहर बनाएं तो हम शहर ऐसे बनाएं एक यूनिट के रूप में शहर को डेवलप करना, जिससे कि हम कम से कम ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हो, अभी क्या है कि अगर आदमी 50 किलोमीटर दूर जा रहा है जॉब करने के लिए, मार्केट के लिए फिर अलग जा रहा है, कितना फ्यूल कंजम्पशन हमारा हो रहा है। तो हम ऐसे शहर बनाने हैं कि एक जो हब है जिसमें कि ऑफिस भी है, रेजिडेंस भी है, मार्केट भी है, स्कूल भी है, ऐसे शहरों के बनाने की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो ये फ्यूल कंजम्पशन है, पोल्यूशन है, और तो जो हमारा मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी काफी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कविता मुझे ये बताएं कि आपके अब तक के अनुभव में अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अपने आप में बहुत अच्छी बात है, हम सब इसका स्वागत करते हैं, किस तरह का बदलाव समाज में आता हुआ आप देख रही हैं? तो कि अभी अमल में आएगा, थोड़ा समय लगेगा, इसके जो इसका जो इम्पैक्ट है वो तो हम इवेंचुअली तब आते हुए देखेंगे जब बच्चे पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह के बदलाव की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये बदलाव किस हद तक कामयाब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, असली शक्ल में बदलता हुआ कितना दिखाई दे रहा है? साथ ही महिलाओं में जैसे कि हम कहते हैं कि अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी समझ कहीं ना कहीं कम हो जाती है, हालांकि ये स्थिति भी अब बदल रही है, लेकिन अगर स्कूल से ही आप बच्चों को और बच्चियों को जो है अपनी पैसों की बागडोर अपने हाथ में रहना लेकर चलना सिखा दें तो कहीं ना कहीं कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। क्या कहती हैं आप? 100% फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, मैं आप बताना चाहती हूँ कि हमारे टीचर्स को भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पता है। बताइए, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट बताई आपने। जी बिल्कुल दिनेश जी, हर्षित जी, आप सुन रहे हैं पहले यहाँ पर, जब आप क्योंकि आप मॉडल डिजाइन ही कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये पहला पड़ाव होना चाहिए आपका इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि पहले टीचर्स को जो है इसकी समझ दी जाए और इसकी जरूरत जो है वो समझाई जाए। जी कविता जी, 100%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं गेन करने वाला है, एक टीचर गेन करने वाली है, एक पेरेंट गेन करने वाला है, बिकॉज पेरेंट्स भी दे लर्न थ्रू द स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप एक सिर्फ बच्चे को एम्पावर नहीं कर रहे हो, आप पूरे कंट्री को एम्पावर कर रहे हो थ्रू द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट है तो उसके पीछे पेरेंट्स इन्वेस्टेड है, ग्रैंड पेरेंट्स इन्वेस्टेड है, टीचर्स इन्वेस्टेड है, कम्युनिटी इन्वेस्टेड है, तो पूरा कम्युनिटी आप अपलिफ्ट कर रहे हो। तो आई सी अ ह्यूज चेंज। First of all, the minute a child is given money and to start ये project आया है, आपको decide करना है कहाँ पे invest करना है, तो आपने decision making power दिया है वो बच्ची को।
तो एक डिसीजन मेकिंग का भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने ये डिसीजन किया, अगर मैं फेल भी हुई तो मेरे टीचर है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए. तो प्रोटेक्शन भी आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, डिसीजन मेकिंग भी आ गया. तो स्लोली स्लोली आपने देखा कि इन्वॉल्वमेंट भी आ गया. तो स्लोली स्लोली आप अगर देखो कि एक दो साल में तो आई सी यू चेंज विद द स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली इन द कंट्री. तो मैं तो ये कुछ ज्यादा ही देखने वाली हूँ 5-10 सालों में कि नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे अपनी लेडीज जाके डिसीजन करेगी स्टॉक मार्केट में. जो मेजोरिटी जो मेन है वहां पे बेसिकली हम लोग लेडीज को देखेंगे वो फील्ड में. तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. चलिए तो फाइनेंशियल लीडिंग बिल्कुल. तो आशा की एक किरण, उम्मीद की एक किरण यहाँ पर जगती हुई दिखाई दे रही है. बस हम सब यही उम्मीद करते हैं कि फटाफट जो है पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाए और उसको अमल में लाया जाए और सभी को इसका फ़ायदा मिले. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए. और कंज्यूमर्स किंग के आज के एपिसोड में इतना ही. मुझे भी इजाज़त दें. नमस्कार.